सो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, टॉपिक है कि फ्रेंड्स, अगर आपके भी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, अगर आप भी कई जगह काफी ज्यादा एफर्ट मारते हो, काफी ज्यादा मेहनत करते हो, तो फ्रेंड्स आपके भी सब्सक्राइबर्स जल्दी इंक्रीज नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, आज के जो टिप्स बताऊंगा उससे आपके सब्सक्राइबर्स गोली की तरह भागेंगे और काफी ज्यादा आपके सब्सक्राइबर जो ना फास्ट इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेश कुमार अपने चैनल टेक्निक लेयर में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरे भी सब्सक्राइबर है, जैसे आप न्यू क्रिएटर हो तो आप जानते हो यार मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते, अगर आपने अपने चैनल पे 150 से 200 वीडियो अपलोड कर चुके बट लेकिन आपके सब्सक्राइबर ही इंक्रीज नहीं हो रहे, 10-7 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, ऐसे सब्सक्राइबर आपके, तो फ्रेंड्स आज जो टिप्स दूंगा काफी ज्यादा अच्छा टिप्स है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपके जितने भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी, या तो आपका ब्लॉग का चैनल है, या आपका कॉमेडी का चैनल है, या जो भी आपका कैटेगरी का चैनल है, आपको क्या करना है, उन सभी चैनलों को पहले आपको लिख लेना है, आपको नोटपैड में कहीं पर उसको लिख लेना है। आपको 10 ऐसे क्रिएटर को उठाना है जिनके काफी ज्यादा मिलियन में सब्सक्राइबर हो, चाहे कई हजार में सब्सक्राइबर हो, जरूरी नहीं मिलियन में ही हो, कई हजार में भी सब्सक्राइबर हो, तो उनके नाम को आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको हमेशा एम बना रहेगा कि भाई मुझे इसके सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, क्योंकि इसी के पास वो ऑडियंस है जो मेरी वीडियो को देखती है, रियल कह रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स क्या करना, 10 बंदों के नाम लिख लेना है। फिर क्या करना है, फिर फ्रेंड्स जानते हो कि जैसे कि अगर आप भी अगर कहीं पे अगर YouTube पे वीडियो डालते हो, तो आप भी फ्रेंड्स Instagram पे, Facebook पे या Twitter पे कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो गए होगे। तो फ्रेंड्स उसी तरह वो जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, चाहे Instagram पे होंगे, चाहे वो Twitter पे होंगे, चाहे वो YouTube तो होंगे होंगे फ्रेंड्स, चाहे वो अपने अलग अलग कहीं भी, मतलब हर एक जगह पे कहीं ना कहीं वो एक्टिव होते होते हैं। तो आपको अब क्या करना है, जैसे कि फ्रेंड्स आपने, जैसे मेरा जो चैनल है, तो मेरे चैनल कैटेगरी के जो ऑडियंस मिलती है, मनोज दे जो है 1 मिलियन करीब सब्सक्राइबर, उस बंदे के पास मेरे ऑडियंस मिलेगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि उस बंदे का जो, जैसे देखो उसका कहाँ पे एक्टिव है, तो बंदा वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तो एक्टिव उसका जहाँ ना इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे इंस्टाग्राम जाओगे तो उसके जो भी फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स को चेक करना, और फॉलोवर्स को चेक करने के बाद सभी फॉलोवर्स को आपको मैसेज भेजना है हेलो का, या आपको ये नहीं करना है कि फटाफट फॉलो कर लोगे तो फ्रेंड्स आपको कभी भी वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें फॉलो कर लिया, पहले आपको कभी भी सब्सक्राइब वो नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उनके पास मैसेज करना है हाय का चाहे हेलो का, जैसे हाय या हेलो का मैसेज करोगे तो वो फिर आपके पास भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक ऑडियंस होती है, उनके पास इतने व्यूज नहीं आते हैं कि वो अपने चैनल किसी के पास प्रमोट करे या कुछ करे। अगर आपके अच्छे खासे बेस सब्सक्राइबर्स हैं तो आप अगर अपने चैनल का लिंक दोगे तो वो आपको जरूर है कि रिप्लाई करेंगे, तो आप उनसे बातें करो, हाय हेलो करके बात करो, फिर अपने चैनल का लिंक दो, वो ऐसा बोलो कि भाई मेरे चैनल को भी देखो, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल भी अच्छा। तो आपको इस तरीके से कुछ ना उनसे डीएम करना, इसे फ्रेंड डीएम करना कहते हैं, सब फॉर सब नहीं कहते हैं, क्योंकि सब फॉर सब अगर आप करोगे ना तो आपका काफी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा और नुकसान ही नुकसान, तो उससे सब्सक्राइबर आपके डिक्रीज ही होते हैं। तो आपको डीएम करना, जैसे आप डीएम कर लोगे ना, डीएम करने के बाद आपके जैसे होगा वो आपको सब्सक्राइब कर देगा और फ्रेंड्स आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना कि जिस कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हो आपको उसी कैटेगरी के ही सब्सक्राइबर आपको लेने, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपका गेमिंग का है तो गेमिंग का ही लेना, अगर गेमिंग का ही बंदा तो ही बोलो सब्सक्राइब करने को, वरना फ्रेंड्स वो किसी और कैटेगरी की वीडियो डालता है, जैसे कॉमेडी की वीडियो डालता है, अगर आप उसे गेमिंग का बोलोगे तो वो क्या करेगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब तो कर देगा बट लेकिन आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा आपका चैनल डेड होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आपको वही करना है कि जो आपको पहले से पूछना, भाई किस कैटेगरी की वीडियो अपलोड करते हो, तो बोलेगा भाई मेरा कॉमेडी से रिलेटिव है, एंटरटेनमेंट से रिलेटिव है, या फिर ब्लॉग से रिलेटिव है, या मेरा गेमिंग से रिलेटिव है, जो भी बोलेगा ना उस कैटेगरी को पूछ के, फिर अगर आपके कैटेगरी में मिलता है तो भी उसको बोलना भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं मिलता तो आपको कभी भी उसको बोलना नहीं है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता कि आप डीएम करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो, प्लस अपने सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। फ्रेंड्स फिर से मिलेगा एक नई वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।